Hello students, so today we are going to learn about Subhash Chandra Bose. Tum mujhe khoon do, main tumhe aazadi dunga. Netaji Subhash Chandra Bose ke baare mein, unki life ke baare mein hum thoda sa padhenge aur iske upar fir ek quiz karenge. Chaliye, let's start. Sabse pehle unka janm 23 January 1897 ko Katak, Orissa mein hua tha. Unko popularly Netaji ke naam se jana chahta hai. उनके पिताजी का नाम जानकी नाथ बोस जो एक बहुत फेमस वकील थे और उनकी माँ प्रभावती देवी जो एक बहुत ही पूजा पाठ करने वाली धार्मिक औरत थी। उनके पिता जानकी दास बोस जो थे वो बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व था उनका और बहुत ही अच्छे वकील जाने हुए सक्सेसफुल वकील थे और उनको लोग राय बहादुर के नाम से बोला करते थे और वो बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य भी थे। ये आप देख सकते हैं चित्र में उनके माता पिता है, ये उनका छोटे बालपन का है और ये उनका परिवार है। सुभाष चंद्र बोस जी बचपन से बहुत होशियार थे, बहुत सिंसियर थे और उनको स्पोर्ट्स में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था। उन्होंने बीए फिलोसफी में किया प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता से और उसके बाद वो स्वामी विवेकानंद जी से बहुत प्रभावित हुए और वहीं से उनको ये देशभक्ति का शौक लगा जब वो एक स्टूडेंट थे और वो स्वामी विवेकानंद को अपना आध्यात्मिक गुरु भी मानते थे। अब आती है बात जहां उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ विरोध करना शुरू किया। सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस जी ने डिसाइड किया कि वो बदला लेंगे क्योंकि उन्होंने बहुत सी घटनाएं पढ़ी जिससे पता लगा कि ब्रिटिशर्स इंडियंस को कितना एक्सप्लॉयट कर रहे हैं, कितना उनका शोषण कर रहे हैं। 1916 में सुभाष चंद्र जी ने अपने एक कॉलेज के टीचर को जिनका नाम था ई एफ ऑटन को बुरी तरह पीट दिया केवल इसलिए कि उसने एक रिमार्क किया था इंडियन स्टूडेंट्स को लेकर, यानी कि जो नस्लवादी रिमार्क होता है वो किया था जो उनको अच्छा नहीं लगा और इसलिए उन्होंने उसको पीटा। इस बात पर लेकर सुभाष चंद्र बोस को प्रेसिडेंसी कॉलेज से निकाल दिया गया और कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने भी उनको बैनिश कर दिया, उन पर रोक लगा दी कि आप यहाँ नहीं पढ़ सकते और यहीं से शुरुआत होती है उनके विद्रोही स्वभाव की। दिसंबर 1921 में बोस को अरेस्ट कर लिया गया और उनको जेल में डाल दिया गया क्योंकि उन्होंने जो प्रिंस ऑफ वेल्स जब इंडिया आए थे तो उन्होंने उस प्रोग्राम को बॉयकॉट किया था तो इसलिए उनको जेल में डाल दिया गया था। तो यहाँ से उनके विद्रोह की कहानी शुरू होती है। इंडियन सिविल सर्विस में उनके पिताजी चाहते थे कि नेताजी सिविल सर्वेंट बने और इसके लिए उन्होंने उनको इंग्लैंड भेजा और वहाँ पर इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन उन्होंने दिया और आप विश्वास नहीं करेंगे कि बोस का 4th रैंक आया वहाँ पर और वो एक आईसीएस ऑफिसर बन गए। लेकिन उनको इतना आज़ादी का नशा था और इतना वो ज़्यादा हो गया कि अप्रैल 1921 में बोस ने वहाँ से रिज़ाइन कर दिया इंडियन सिविल सर्विस से और वापस इंडिया आ गए। और जब वो इंडिया आ गए तो वो एक एक्टिव मेंबर बन गए इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के और उन्होंने बाद में आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया जहाँ पर वो प्रेजिडेंट भी बने। अब कांग्रेस के साथ उनका साथ सफर शुरू होता है। सुभाष चंद्र बोस जो थे चितरंजन दास के लीडरशिप के अंडर उन्होंने एक एक्टिव मेंबर बने वो कांग्रेस के कलकत्ता में। आप ये देख सकते हैं चित्र में चितरंजन दास जी का फोटो है। चितरंजन दास जी ही थे जिन्होंने मोतीलाल नेहरू के संग कांग्रेस को बाद में छोड़ दिया और अपनी स्वराज पार्टी बनाई 1922 में। सुभाष जी चितरंजन दास को अपना पॉलिटिकल गुरु मानते थे। अब कांग्रेस में भी विवाद शुरू हो गए। पीपल जो थे, जो जनता थी, वो बोस को जानने लगी और बोस धीमे धीमे लोकप्रिय होने लगे फ्रीडम मूवमेंट को लेकर और जल्दी ही वो बहुत एक युवा लोकप्रिय नेता बन गए। उनके अंदर बहुत से गुण थे, एक ऑर्गेनाइजेशन का गुण था जिसको लोग बहुत पसंद करते थे। 1928 में गुवाहाटी सेशन जब कांग्रेस का हो रहा था तो वहाँ पर एक विवाद छिड़ गया जिसमें ओल्ड और न्यू मेंबर्स जो कांग्रेस के थे उनके बीच में ये विवाद था। तो जो यंग मेंबर्स थे वो चाहते थे कंप्लीट पूरी तरह से सेल्फ रूल हो कि हमारा अपना स्वराज्य हो और हम कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। लेकिन जो सीनियर लीडर्स थे वो सब चाहते थे कि इंडिया का डोमिनेंट हो, इंडिया का प्रभाव बना रहे लेकिन ब्रिटिश रूल रहे, उससे उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। इसका सुभाष चंद्र बोस जी ने बहुत विरोध किया और वहीं पे मॉडरेट गांधी जी और एग्रेसिव सुभाष चंद्र बोस के बीच में एक अंतर शुरू हो गया। गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में ये एक कोल्ड वॉर टाइप का था और ये स्थिति इतनी इंटेंस हो गई कि उन्होंने आगे जाके
पिता भी सीतारामैया, जिसको गांधी जी ने खड़ा किया था इलेक्शन में, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कांग्रेस के, उसको सुभाष चंद्र बोस जी ने हरा दिया। यानी वो इतने प्रसिद्ध हो गए थे, जिसको गांधी जी ने खड़ा किया उसको हरा दिया था। लेकिन बाद में सुभाष चंद्र बोस जी ने बिना एक सेकंड विचार किए उस पार्टी से रिजाइन कर दिया, यानी कि उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया और फिर उन्होंने अपना फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया 1939 में। अब आता है इंडियन नेशनल आर्मी यानी INA। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर सितंबर 1939 में शुरू हुआ। सुभाष चंद्र जी ने सोचा कि मैं भी यहाँ पे अपना योगदान दूंगा। उन्होंने एक बहुत मास मूवमेंट शुरू किया और उसमें पूरी दुनिया के लोगों को इकट्ठा किया उन्होंने, और बहुत लोगों ने उनकी इस पुकार का जवाब दिया। लेकिन ब्रिटिशर्स ने उनको जेल में डाल दिया। जेल में डालने के बाद उन्होंने 2 हफ्ते तक करीब खाना नहीं खाया। फिर अथॉरिटीज ने वहां की उनको घर में ही अरेस्ट कर दिया। जब वो घर में अरेस्ट थे, सुभाष चंद्र बोस वहां से चुपके से भाग गए और वो गोमा बुहार गए और वहां से पेशावर जो पाकिस्तान में वहां गए। उसके बाद वो वहां से जर्मनी, और वहां जाके वो हिटलर से भी मिले। बोस जो थे, अपनी पत्नी जो उनकी थी एमिली सेंकली बर्लिन की थी, उनसे उन्होंने शादी की थी। वहां 1943 में वहां पर गए। फिर बोस वहां से भी साउथ ईस्ट एशिया चले गए और उन्होंने एक आर्मी का गठन किया। आप जानते ही हैं, बहुत फेमस आर्मी थी वो, इंडियन नेशनल आर्मी। यानी कि फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी कौन थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने बाद में लेडीज विंग भी उसमें शुरू किया था। आप देख सकते हैं चित्र में, ये हिटलर के संग उनकी मुलाकात का चित्र है। फिर उसके बाद वो इंग्लैंड गए। जब उनका स्टे इंग्लैंड में था, तो वहाँ की ब्रिटिश लेबर पार्टी से वो मिले और पॉलिटिकल थिंकर्स जो वहाँ के सोच विचारक थे उनसे मिले, क्लेमेंट एटली, ऑथर ग्रीनवुड, हेरोल्ड लास्की, G.H. कोले एंड सर स्टफर्ड क्रिप्स, इन सब से वो मिले और उन्होंने भविष्य, इंडिया के भविष्य के बारे में बात की। और ये बात बहुत नोट करने वाली है कि जब ये रेजीम था लेबर पार्टी का और एटली वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, तभी इंडिया को आज़ादी मिली। यानी कि उन्होंने इतना प्रेशर बनाने का काम किया जिससे हमें आजादी आसानी से मिल सकी। ऑल्दो ये नेता सुभाष चंद्र बोस का जो डेथ है, ये अपने आप में एक बहुत रहस्य है, जिसको आज भी बहुत लोग इसमें चलता रहता है। लोग मानते हैं कि वो एक प्लेन क्रैश में उनकी डेथ हुई थी, और उनकी जो रिपोर्ट आई उसमें भी लिखा था कि बहुत ज्यादा बर्न्स हो गए थे इसलिए वो मारे गए, और उनकी डेड बॉडी का जो एशेस थे उससे लेके एक मंदिर भी बनाया गया है। लेकिन ये थ्योरीज जो है, उनकी डेड बॉडी मिली नहीं थी एक्चुअली में, लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं वहां मिली थी, ऐसा वैसा बहुत सी कहानियां हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पर बहुत सी कमेटीज भी बनाई, इसका बहुत ज्यादा पिक्चरें भी बनी है, उसके ऊपर मूवीज भी बनी है, सच्चाई क्या है जानने के लिए। इन 1956 शाहनवाज कमेटी जापान गई और उन्होंने बोस की मृत्यु को लेकर देखना चाहा कि क्या एक्चुअली हुआ था। लेकिन पॉलिटिकल रिलेशन ताइवान के संग उनके अच्छे नहीं थे, इसलिए वहां के लोगों ने उनको सपोर्ट नहीं किया। फिर रिपोर्ट ऑफ जस्टिस मुखर्जी कमीशन भी आई, जो पार्लियामेंट में रखी गई 17 मई 2006 में। उसमें भी उन्होंने कहा कि बोस जो थे वो मरे नहीं थे प्लेन क्रैश में, और जो एशेज है जो रेनकोजी टेम्पल में, वो उनकी नहीं है। लेकिन बाद में इसको भी गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया। ये आप चित्र में देख सकते हैं, ये मित्सुबिशी की 21 ट्विन इंजन था, जिसमें सुभाष चंद्र बोस बैठ कर गए थे 2 बजे 17 अगस्त को 1945 को। और बच्चों, इसी के संग ये वीडियो खत्म होता है। 23 जनवरी 1897 को जो पैदा हुए, अ हीरो वॉज बॉर्न विद अ ड्रीम ऑफ फ्री इंडिया, सैल्यूट टू अवर हीरो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। रियलिटी इज आफ्टर ऑल टू बिग फॉर अवर फ्रेल अंडरस्टैंडिंग टू फुली कॉम्प्रिहेंड, नेवर्थलेस वी हैव टू बिल्ड अवर लाइफ ऑन द थ्योरी विच कंटेन्स द मैक्सिमम ट्रुथ। नेशनलिज्म इज इंस्पायर्ड बाय द हाइएस्ट आइडियल्स ऑफ द ह्यूमन ड्यूज, सत्यम शिवम सुंदरम, ट्रुथ द गॉड द ब्यूटिफुल। और थैंक यू बच्चों, और अब आप इस क्विज को सॉल्व करिए, सारे आंसर्स आपको इसी में मिल जाएंगे। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।